नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग अच्छे होंगे। मैं विनय कुमार आपका होस्ट एंड दोस्त फिर से हाजिर हूँ लेकर एक नया वीडियो अपने चैनल पर विनय 0609। और इस वक्त हम हैं लोहरदगा ज़िले में, जो कि है झारखंड का एक ज़िला, और अभी जहाँ पर है वो है कांड्रा। और यहाँ पर हमारा एनजीओ का कुछ फ़ोटोशूट चल रहा है, काम चल रहा है ड्रोन से महिला लोग का। और ये हमारा रिसोर्स सेंटर है, तो अभी हम बने रहिए, वीडियो देखते रहिएगा। और कुछ खास है, ये जो देख रहे हैं ये महिला लोग का फ़ोटोशूट चल रहा है। एक्चुअली ये सीड बॉल प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीड बॉल वो होता है जिसमें छोटे छोटे मिट्टी के बॉल्स होते हैं, जिसके अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं, जिसका ये बॉल्स बनाकर हम लोग जंगल में थ्रो करते हैं, ताकि जब जंगल में बारिश का मौसम आए तो वो सीड बॉल फूटे और नए वृक्ष का आगमन हो। उसी का एक शूटिंग चल रहा है जो आगे चल के देखेंगे आप। तो मैम, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इस बार थोड़ा समझाइए हमारे पब्लिक को। यहाँ पे वीडियो डॉक्यूमेंटेशन होगा हम लोग जो कर रहे हैं इतना दिन, ताकि हम लोग और गांव में दिखा सके और लोग भी उसको तो कर सके। आज मेनली किस चीज का वीडियोग्राफी हो रहा है? सीड बॉल प्रिपरेशन की, जो जंगल का जो कवर है, जंगल का जितना घना जंगल जितना है, अभी पेड़ वेड़ काट के थोड़ा घनाई कम हो गया है, उसको हम लोग कैसे बढ़ाए, है ना। तो हम लोग अभी एक, आप देखिएगा, एक हम लोग एक ट्रेडिशनल वे में हम लोग देखेंगे कि बीज को कैसे संरक्षण करके उसका बॉल बना के हम लोग फिर जंगल में उसको फेंकेंगे। अब ये महिला समूह जो सीड बॉल बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री लेके आए हैं, जैसे कि मिट्टी, गोबर खाद और भूसी, ये तीनों का मिक्सर कर रहे हैं ये महिला समूह। और इसके अंदर छोटे छोटे बीज डालेंगे और छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। पहले मिट्टी को पानी डालकर अच्छे से मैश करेंगे, उसमें गोबर खाद और भूसी मिलाकर उसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, और फिर इसके अंदर एक छोटे से बीज डालकर उसे गोलाकार आकार दे देंगे और उसको एक सीड बॉल तैयार किया जाता है। इसी का एक फोटोग्राफी हम लोग एनजीओ के द्वारा करा रहे थे और उसी का शूटिंग चल रहा है। इसका होल प्रोसेस इसका प्रोसेस वही होगा कि सीड बॉल बनेंगे, वो सूखेगा, फिर ये जंगल में थ्रो होगा। तो इसका फुल प्रोसेस में एक वीडियोग्राफी शूट हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो। और इसमें महिलाएं बैठ के छोटे छोटे बॉल बना रही हैं। अब मैं आगे जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये छोटे छोटे बॉल्स जो दिख रहे हैं, ये महिला इसके अंदर बीज डाली हैं और इसके छोटे छोटे हाथ से लड्डू आकार में ये गोलाई करके एक करें। ये अब कम से कम एक दिन धूप में सूखते हैं और तब जाकर ये जंगल में थ्रो होते हैं। ये प्रोसेस है इनका। और ये कुछ देखिए जो है, हमारे फोटोग्राफर्स ये ड्रोन शूट भी ले रहे हैं, ड्रोन से महिला का अच्छा सा वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बॉल्स, आपने ये देखा है, ये सीड बॉल का निर्माण हो रहा था। सीड बॉल जो कि हम लोग जंगल में जाकर थ्रो करेंगे, ताकि बरसात के सीजन में नए नए पेड़ पौधे उग सके। तो ये टेक्निक है, जंगल अगर उजड़ता है या जंगल ख़त्म हो रहा है तो उसको पुनः निर्माण करने के लिए हम लोग सीड बॉल बनाते हैं और उसको जंगल में फेंकते हैं, ताकि नए नए वृक्ष फिर से आ सके। तो ये हम लोग का फॉरेस्ट के लिए काम होता है, हमारा हम लोग जो एनजीओ में काम करते हैं उनके सपोर्ट से। तो भी चल रहा है, देखिए वहाँ पर लोग सब जा रहे हैं, है ना, सारे लोग, है ना, प्यारी है। तो अभी चलते हैं जंगल में, देखते हैं थ्रो कैसे होता है, बने रहेगा वीडियो में, देखते रहिएगा, है ना। तो अब देखिए महिला लोग जंगल की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। ये महिला समूह है जो कि जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि जो छोटे से सीड बॉल बनाए हैं उसको जंगल की ओर फेंक सके। तो ये महिला समूह ग्रुप बना के गीत गाते हुए जाते हैं और अब जाकर ये बीज थ्रो होगा। देखिए सब बीज फेंक रहे हैं, तो सब बीज को जहाँ तहाँ बिखेर रहे हैं, है ना, सबके हाथ में बीज है, सीड बॉल्स है। देखिए ये है सीड बॉल्स, जिसको हम लोग जंगल में थ्रो करेंगे, ताकि नए नए ट्री ग्रो हो सके। हम लोग सोच रहे हैं पत्थर पीला पीला उसमें काई होके हो गया था, जाके देख रहे थे पूरा। ये हमारा नुक्ता, हमारे सब दो बच्चा है और हम लोग थ्रो कर रहे हैं पेड़ उगाने के लिए। ये है सीड बॉल। ऐसे एक जगह पे मत फेंको, कितना आएगा। था पूरा प्रोसेस आपने जो देखा,
कैसे बनता है बता दीजिए सीड बॉल। सीड बॉल बनाने बहुत इजी प्रोसेस है, आप मट्टी लीजिए, थोड़ा सा नेचुरल खाद जिससे गोबर घास खाद होता सूखा वाला, भूसा भूसा तीनों को मिक्सअप कीजिए और छोटा छोटा बॉल बनाइए, बीज डालकर, बीज डालकर अंदर में जिस भी बीज लेंगे, सकुआ का हो, साल का हो, महुआ का हो, जामुन का हो, जामुन का हो, आम का हो, कैसा भी ट्री, और इसको बॉल बनाकर उसको थोड़ा सा एक दो दिन के लिए ड्राई करिए हल्के धूप में, और उसके बाद थ्रो कीजिए उसके दो दिन तीन दिन बाद, और ये क्या क्या बरसात के सीजन में ये ऑटोमेटिक बॉल फूटेगा और नया ट्री का आगमन होगा हमारे जंगलों में। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जो मिट्टी होता है और खाद, मिट्टी में खाद मिलाता है, ये बॉल में जो मिट्टी और खाद दोनों है, तो इस कारण इसको उगने में, ग्रो करने में ज़्यादा ईजी होता है, और वो कीड़ा जो है, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लग पाता है। धन्यवाद। हाँ चलिए, गेला है हाँ दिख रहा है, अभी फेंकिए निमिषा मैम, अभी फेंका है, फिर से फेंकिए। माटी कहा तो है, लेकिन इकर में हमें पेड़ पौधा लगाए के लिए हमें बुद्धि लगा ही कि हमें कर जंगल झाड़ पूरा एकदम खाली हो जाते, तो हमें इकर ने बीजा डाला, वैसन कह के हमें इकर ने बीज खाद और भूसा धान के केर के माटी केर के गोलैया के भी और हमें छीटा थी, ठीक है। हाँ ऐसा फेंकेंगे, ऐसा ही फेंकेंगे। ये जो आपने वीडियो देखा, ये पूरा प्रोसेस था सीड बॉल बनाने से लेकर उसको फेंकने तक, है ना। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय।